Welcome students, in today's video chapter is admission of new partner and topic is capital adjustment method as per total capital given in the question and we will prepare revolution account, capital account and balance sheet in it. इस मेथड में आपके जो क्वेश्चन होता है उसमें नई फर्म की जो कैपिटल होगी वो क्वेश्चन खुद बताता है कि टोटल कैपिटल अब नई फर्म की कितनी होगी और उस कैपिटल के हिसाब से ही हमें तीनों पार्टनर की न्यू कैपिटल निकालनी होती है। इससे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल भी एडजस्ट हो जाती है और नए पार्टनर का कैपिटल अमाउंट भी हमें पता चल जाता है। तो क्या रूल रहेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, आइए उसे हम समझ लेते हैं। फर्स्ट रूल है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एच पर बीआर जीआर रूल, बर्गर रूल के हिसाब से आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। बर्गर ट्रीटमेंट का मतलब है बी फॉर बैलेंस बीडी, आर फॉर रिवोल्यूशन अकाउंट ट्रीटमेंट, जी फॉर गुडविल ट्रीटमेंट एंड आर फॉर रिजर्व एंड लॉसेस ट्रीटमेंट। एंड इनसे रिलेटेड वीडियो वॉल्यूम नंबर आगे आपको दिख रहे होंगे जो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के इनकी वीडियो लिंक्स को आप चेक कर सकते हैं और इनमें कहीं भी दिक्कत है तो आप रिलेटेड वीडियो देख के अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट होगा लुक एट द टोटल कैपिटल अमाउंट ऑफ द फर्म गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जो कैपिटल अमाउंट हमें दी हुई है फिर हमें उस कैपिटल अमाउंट को देखना है, हमें नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है सभी पार्टनर के। हो सकता है आपको कैलकुलेट करना पड़े, हो सकता है क्वेश्चन में तीनों का नया रेशियो गिवन हो। अगर तीनों का नया रेशियो दिया हुआ है तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं होती है, उसी रेशियो को आपको न्यू रेशियो मान करके सॉल्व करना होता है। और अगर नया रेशियो नहीं दे रखा है तीनों पार्टनर का तो फिर आपको रेशियो निकालना है ताकि हमें तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो आ जाए। ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तो क्वेश्चन में दिया होगा नहीं तो आपको निकालना होगा। नेक्स्ट इज कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर बाय मल्टीप्लाइंग टोटल कैपिटल टू पार्टनर्स रेस्पेक्टिव न्यू रेशियो। सेकंड और थर्ड पॉइंट को आपको मल्टीपल कर देना है। इसका मतलब यह है आपके पास में न्यू कैपिटल आ चुकी है, नया रेशियो आ चुका है, न्यू कैपिटल को न्यू रेशियो से मल्टीपल कर देंगे तो सभी पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी आपकी। ये मैं बता चुका हूं आपको भी, दिस फोर्थ पॉइंट अमाउंट विल बी देयर न्यू बैलेंस सीडी, न्यू कैपिटल अमाउंट होगा आपकी। सिक्स पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाउ कैलकुलेट द डिफरेंस इन कैपिटल अकाउंट फॉर कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी टेकन आउट फ्रॉम द फर्म बाय ओल्ड पार्टनर्स और टू बी एडजस्टेड थ्रू देयर करंट अकाउंट्स। अब देखिए क्या है कि चूंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है, नई कैपिटल क्वेश्चन में खुद ने दे रखी है तो पार्टनर की तो पुरानी कैपिटल भी है और हम नई कैपिटल भी आ गई तो दोनों कैपिटलों में कुछ ना कोई डिफरेंस तो होगा। फिर वो डिफरेंस ये रहेगा कि या तो पुरानी कैपिटल ज्यादा होगी या नई कैपिटल ज्यादा होगी। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस, या तो हमें बिजनेस में कैश को लेके आना होगा या बिजनेस से कैश को लेके जाना होगा, यानी या तो कैपिटल कम होगी आपकी, कम होगी तो और कैपिटल अमाउंट लेके आइए, और कैपिटल ज्यादा होगी आपकी तो कैपिटल बिजनेस से ले जाइए। तो ये कैश या तो लेके आना होता है या लेके जाना होता है एज पर क्वेश्चन इक्वेशन। कई बार कैश में ट्रीटमेंट नहीं करवा के वो बोलता है कि ये सारा एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होगा, तो हमें कैश की जगह फिर ये सारा ट्रीटमेंट करंट अकाउंट में करना होता है। तो ये रूल है आपके जब क्वेश्चन में आपके टोटल कैपिटल खुद देता है और कैपिटल एडजस्टमेंट करवाता है। अब एक चीज जो मैं आपको और बता दूं कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए हमने अभी तक ये हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट पे ये वाला वीडियो तीसरा वीडियो है हमारा, इससे पहले दो वीडियो और बनाए हैं और अभी भी मैंने जो रूल बताए ये सारे रूल जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से मैंने रूल बताए हैं आपको, फिक्स कैपिटल के हिसाब से रूल नहीं बताए मैंने आपको। कि क्वेश्चन नॉर्मली जो आता है वो आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से आता है, फिक्स कैपिटल के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है पर ज्यादातर संभावना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से होती है। तो जो रूल बनाए हैं आपको अभी ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से है, पर हो सकता है क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल भी दे रखी हो और मैं एक जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं वो फिक्स कैपिटल के हिसाब से ही बना दूंगा मैं आपके लिए। तो एक बार मैं ये कैपिटल का आपकी जो एडजस्टमेंट है इसको मैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू एक बार क्लियर करना चाहूंगा। तो देखिए
मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट में होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में होता है। कैपिटल जो होता है वो दो मेथड से हम मेंटेन करते हैं पार्टनर्स की, पहला होता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर आप दो अकाउंट मेंटेन करते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर आप सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं। फिक्स कैपिटल में जो दो अकाउंट होते हैं उसमें पहला अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा अकाउंट करंट अकाउंट होता है, और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है उसमें एक ही अकाउंट होता है तो उसे आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट बोलते हैं आप। आई होप आपको ये पूरा बेसिक है, ये आपके इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप वाले चैप्टर का भी टॉपिक है, तो ये चीज आपको पता होगी कि दो अकाउंट हो गए फिक्स के अंदर और फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, अगर हमारे क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखी है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो मतलब एक ही अकाउंट दिया होगा जिसे आप कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। तो जितना भी ट्रीटमेंट होगा बर्गर का वो आपको किस में करना होगा, बर्गर का ट्रीटमेंट आपके लिए कंपलसरी है करना कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि अकाउंट ही एक दिया हुआ है। तो मैंने जो भी रूल बताए हैं बर्गर के वो फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से थे, तो आपको कैपिटल अकाउंट में करना होता था, फिर जो बैलेंस शीट आता था उससे आप सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते थे। समझ रहे हैं मेरी बात, कि एक ही अकाउंट होता है इसलिए बर्गर रूल कैपिटल अकाउंट में अप्लाई हुआ। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखी है और कैपिटल एडजस्टमेंट करना है तो ध्यान दीजिएगा, फिर आप जो बर्गर का ट्रीटमेंट है वो फिर कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा, वो करंट अकाउंट में ट्रीटमेंट होता है आपकी। और हमें क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट होगा कैपिटल अकाउंट में, ध्यान दीजिएगा। तो कैपिटल अकाउंट में होगा आपके, तो ध्यान दीजिए फिक्स कैपिटल में जो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है उसमें जो कैपिटल का अमाउंट लिखा हुआ है वही आपको लेना होता है कैलकुलेशन के लिए, जबकि फ्लक्चुएटिंग के अंदर आपके चूंकि कैपिटल अकाउंट में ही बर्गर का ट्रीटमेंट करना होता है इसलिए बर्गर का ट्रीटमेंट करने के बाद में जो अमाउंट आता है वो अमाउंट आपको लेना होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। देखिए इसलिए मैंने हाईलाइट कराया बार बार कैपिटल अकाउंट को, कि कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट है हमें वो लेना होता है। तो ध्यान दीजिए, चूंकि फ्लक्चुएटिंग में एक ही कैपिटल अकाउंट है तो इसमें बर्गर का ट्रीटमेंट करने के बाद जो अमाउंट आया वो लेना होता है, लेकिन अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो वहां कैपिटल अकाउंट अलग है, वहां कैपिटल का अमाउंट अलग से उसमें लिखा हुआ है, तो हमें कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट है उसको लेना होता है, हमें फिर करंट अकाउंट वाले अमाउंट से मतलब नहीं होता है। और बर्गर का रूल फिर करंट अकाउंट में अप्लाई होगा फिक्स कैपिटल मेथड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बर्गर रूल जो होता है फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल में लगता है, लेकिन यही अगर फिक्स कैपिटल मेथड हो तो फिर आपके कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में होगा। तो कैपिटल अकाउंट में जो भी अमाउंट है वो डायरेक्टली हम ले लेते हैं बिना बर्गर रूल के, क्योंकि बर्गर रूल करंट अकाउंट में अप्लाई होता है। तो बेसिक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मैं वापस रिपीट कर देता हूं, हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, हमें कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करना है। तो हम जो भी अमाउंट लेंगे कैपिटल अकाउंट से तो वो हमें देखना है कि वो फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट है या फिक्स का कैपिटल अकाउंट है। फ्लक्चुएटिंग का है तब तो बर्गर रूल के बाद में जो अमाउंट आएगा वो हमें लेना होता है, लेकिन वही अमाउंट अगर फिक्स कैपिटल का है तो उसमें कोई एडजस्टमेंट होता ही नहीं, क्योंकि कैपिटल फिक्स रहती है, सीधा डायरेक्टली अमाउंट ले लेना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने वीडियो जो बनाए हैं अभी तक वो फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से बनाए, इसलिए बर्गर रूल का सारा ट्रीटमेंट हम कैपिटल अकाउंट में कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका फिक्स के हिसाब से बनाऊंगा ताकि आपको पूरी मेथडोलॉजी समझ में आ जाएगी। आइए अभी क्वेश्चन से हम इस मेथड को समझ लेते हैं। रीति प्रीति आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2, दे नाउ एडमिट कृति ऑन 1 अप्रैल 2020 एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर विच शी टैक्स फ्रॉम रीति एंड प्रीति इन द रेशियो 5:3। शी वॉज अनेबल टू ब्रिंग रूपीज 80,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। ऑन दिस डे देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। फर्स्ट आई एम टेकिंग लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स 3,63,000, प्रोविडेंट फंड 25,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000, रिजर्व 20,000, रितीज कैपिटल 4 लाख, प्रीतिज कैपिटल 3 लाख, टोटल इज 7 लाख। एंड नाउ एसेट साइड बैंक इज 50,000, डेटर्स 1 लाख, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000, नेट डेटर्स इज 98,000, स्टॉक इज 40,000, इन्वेस्टमेंट इज 50,000, फर्नीचर इज 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी रूपीज 3 लाख, बिल्डिंग 5 लाख एंड गुडविल 20,000 एंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट 11,58,000। रिवेल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर डन एज फॉलोज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी क्रिएटेड एट 4% ऑन डेटर्स। स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड अप टू ₹45,000। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर ₹45,000 ओनली। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज नाउ ₹92,000। चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10%। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बाय ₹40,000। क्रेडिटर्स आर अंडर वैल्यूड बाय ₹5,000। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वॉज एस्टिमेटेड एट ₹15,000। Now this is the line that you are to take care of
दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 9,60,000 विच विल बी डिवाइडेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ द एक्सेस अमाउंट्स और शॉर्ट अमाउंट्स विल बी डन थ्रू ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट्स. देखिए जो न्यू कैपिटल है फर्म की वो 9,60,000 है और जो आपको नई रेशियो में डिवाइड करनी है, जो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट या लेस अमाउंट का एडजस्टमेंट होगा वो आपको करंट अकाउंट के थ्रू करना है. और नया पार्टनर तो अपनी कैपिटल 9,60,000 के हिसाब से लाएगा ही लाएगा, जो 1/4 उसका हिस्सा दिया. पुराने पार्टनर जो एडजस्टमेंट करेंगे वो करंट अकाउंट के हिसाब से करेंगे. इस तरह से आपके क्वेश्चन में लाइन दे रखी होगी. तो ये जो लाइन है ये बताती है कि हमें क्वेश्चन में कैपिटल सेल्फ दी हुई है, हमें उस कैपिटल के हिसाब से ही पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, देखिए आपके 4% दिया हुआ है तो 1 लाख का 4% 4,000 हुआ. आपके ऑलरेडी प्रोविजन 2,000 है तो 2,000 का आपके लॉस हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पे. स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड अप टू रुपीज 45,000, 5,000 का यहां प्रॉफिट हो गया स्टॉक पे. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 45,000 ओनली, 5,000 का लॉस हो गया यहां पे. वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 92,000, 8,000 का लॉस हो गया है यहां पे. डेप्रिशिएशन पे 10% प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिशिएशन है. 3 लाख की वैल्यू है, 10% 30,000 का यहां लॉस, मतलब डेप्रिशिएशन लगा दिया आपने. बिल्डिंग पे 40,000 का प्रॉफिट है. क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड है, वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी तो 5,000 का लॉस हो गया है. एंड लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वॉज एस्टिमेटेड 15,000. देखिए वर्कमैन कंपनसेशन के लिए रिजर्व बना हुआ है 50,000 का, तो हम ये 15,000 की लाइबिलिटी 15,000 की लाइबिलिटी हम वर्कमैन कंपनसेशन से लेंगे तो ये रिवोल्यूशन से नहीं लिया जाएगा. तो इसके बाद में ये लाइबिलिटी आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे 15,000 की. और अब हमारा जो रिजर्व है वो 50,000 में से 15,000 आप लेस कर देंगे तो 35,000 का रिजर्व होगा. तो ये लॉस हुआ है आपके, ये रिवोल्यूशन में नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक रिजर्व है, हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ही लेंगे. रिवोल्यूशन अकाउंट, देखिए जितने भी लॉस वाली चीजें हैं वो डेबिट की तरफ आ गई, जो प्रॉफिट वाली चीजें हैं वो सब क्रेडिट की तरफ आ गई है आपके. तो जो लॉस है आपके, देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,000, इन्वेस्टमेंट 5,000, फर्नीचर 8,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, टू क्रेडिटर्स 5,000. लॉस पूरा डेबिट की तरफ लिखा है. प्रॉफिट दो चीजों से था, स्टॉक से और बिल्डिंग से. तो बाय स्टॉक 5,000, बाय बिल्डिंग 40,000. यहां पे डेबिट साइड ज्यादा है. देखिए डेबिट साइड जब भी ज्यादा होगी तो नुकसान होगा आपके क्योंकि ये लॉस वाली साइड थी. तो 50,000 इसका टोटल होता है. 50,000 में से आप क्रेडिट का टोटल 45,000 लेस करेंगे तो 5,000 का लॉस हुआ जो आप 3:2 के अंदर रीति और प्रीति में बांट देंगे. ओल्ड रेशियो में बढ़ता है आपके, न्यू रेशियो में नहीं बढ़ता है. नए पार्टनर को इस लॉस से प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है. तो 3:2 के अंदर आपने बांटा तो ये रीति का लॉस 3,000 आया और प्रीति का लॉस 2,000 रुपीज आया है. तो ये किस तरह से निकाला गया है, देखिए 5,000 का लॉस हुआ, 5,000 इंटू 3 बाय 5th 3,000, एंड प्रीति का लॉस 5,000 इंटू 2 अपॉन 5th 2,000. इस तरह से आपका रिवोल्यूशन अकाउंट है. कैपिटल एडजस्टमेंट देखिए, सबसे पहले बर्गर रूल के हिसाब से हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. बर्गर में बी फॉर बैलेंस बिटी, आर फॉर रिवोल्यूशन, जी फॉर गुडविल एंड आर फॉर रिजर्व. तो कैपिटल अकाउंट हम बना लेते हैं. देखिए सबसे पहले बी फॉर बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी. देखिए रीति और प्रीति का बैलेंस बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो बाय बैलेंस बीडी 4 लाख एंड 3 लाख. फिर उसके बाद में आर फॉर रिवोल्यूशन, देखिए 2 रिवोल्यूशन आ गया है आपके. लॉस था, लॉस हुआ तो डेबिट की तरफ लिखा है 3 और 2 में 3,000 एंड 2,000. उसके बाद में देखिए बाय बैंक, ये मैंने खाली छोड़ दिया है अभी आपके, ये बैलेंस के साथ में ही है देखिए क्योंकि कृति का हमें अमाउंट नहीं पता है अभी. 9,60,000 के हिसाब से हम निकालेंगे तो अभी हमने इसको ब्लैंक छोड़ा है. वो कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको बता दूंगा कैसे आएगा. बीआर हो गया है आपके, जी फॉर गुडविल. गुडविल में देखिए एक्जिस्टिंग गुडविल आपकी दी हुई है बैलेंस शीट में 20,000 की, वो आप जब बंद करते हैं तो पार्टनर्स के डेबिट की तरफ आता है. तो 2 गुडविल अकाउंट 3 और 2 में आपने इसको क्लोज किया तो 12,000 एंड 8,000. और अब गुडविल का ट्रीटमेंट जो करना है, देखिए कृति का जो है गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 80,000, लेकिन वो कैश में नहीं लेके आ रही है तो कृति का करंट अकाउंट ओपन होगा यहां पे. जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है वो सैक्रिफाइस और गेनिंग में होता है, जो नई गुडविल आता है पार्टनर. तो यहाँ 5:3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है तो 50,000 और 30,000 मिलेगा रीति और प्रीति को गुडविल में, लेकिन एक करंट अकाउंट के नाम से आएगा आपके. और उसके बाद में रिजर्व्स हैं, देखिए रिजर्व्स आपके 20,000 रुपए दिया हुआ था तो बाय रिजर्व 12,000 8,000 3:2 के अंदर. एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है लेकिन 15,000 का लाइबिलिटी में चला गया. लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिमेनिंग हुआ 35,000, तो 35,000 आपने 21,000 एंड 14,000 3:2 के अंदर आपने बांट दिया है. इसके बाद में आप टोटल करेंगे, टोटल जब आप करते हैं तो 4,80,000 हुआ रीति का टोटल, क्रेडिट का डेबिट का टोटल उसका 15,000 है तो 4,68,000 जो है रीति का बैलेंस हुआ. प्रीति का जो बैलेंस है वो क्रेडिट 3,52,000 है और डेबिट 10,000 है तो इसका बैलेंस 3,42,000 हुआ. इस तरह से ये आपको
पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीआरजीआर रूल से जैसे आप बनाते आए हैं वैसे के वैसे ही बनाया है। कृति का हमने अभी अमाउंट नहीं लिखा है, वो हम अभी एडजस्टमेंट जब करेंगे तब निकाल लेंगे हम। वो बाय बैंक के नाम से आता है जिसको हमने ब्लैंक छोड़ा है अभी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाया है अभी। अब कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे हम आगे। इसके बाद में देखिए आपकी सेकंड रूल है, आपको टोटल कैपिटल चेक करनी है जो क्वेश्चन में 9,60,000 की दी हुई है। फिर आपको क्वेश्चन के अंदर नया रेशियो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो फॉर पार्टनर। तो देखिए आपके सी का शेयर या सी से मतलब जो मतलब है यहाँ पे सी से मतलब कृति से है, तो कृति का जो नया शेयर है वो 1/4 है, तो वो 5:3 में ले रहा है। देखिए सी 1/4 को 5:3 में ले रहे हैं, तो इक्वेशन बना ली हमने 1/4 का 5/8 एंड 1/4 का 3/8। तो कृति ने 5/32 यहां ए और बी से मतलब रीति और प्रीति है, 5/32 रीति से लिया है और 3/32 प्रीति से लिया, ये हमने निकाल लिया। इसके बाद में रीति का जो शेयर है वो 3/5 है, उसमें से लेस किया 5/32। तो इक्वेशन आपने सॉल्व करी तो आपका एलसीएम आया 160 को फिर आपने 96 माइनस 25 71/160, ये रीति का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ। उसी तरह से आप प्रीति का निकालेंगे, ओल्ड रेशियो उसका 2/5 है, उसमें से सेक्रीफाइस कर दिया 3/32, तो वही एलसीएम लिया 160। सॉल्व करेंगे आप 64 माइनस 15 49/160 हुआ, और कृति का जो नया शेयर है 160 को इक्वल करना है हमें, तो 40 न्यूमेटर 40 डिनोमेटर से मल्टीप्ल हुआ, तो 40/160। तो आपके क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया आपके 71:49:40, ये पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है आपके। अब हमें क्या करना है, अब कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर बाय मल्टीप्लाइंग टोटल कैपिटल टू देयर रेस्पेक्टिव रेशियो। देखो हमें सेकंड और थर्ड पॉइंट को फिर मल्टीपल करना है, न्यू रेशियो हमने निकाल लिया है और नई कैपिटल भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो पार्टनर्स की नई कैपिटल आ जाएगी। तो देखिए 9,60,000 इंटू 71/160, 4,26,000 रीति की न्यू कैपिटल हुई। उसी तरह से प्रीति की न्यू कैपिटल निकालेंगे, 9,60,000 इंटू 49/160, तो ये आपके 2,94,000 प्रीति की नई कैपिटल हुई। और इसी तरह से कृति न्यू कैपिटल जो कि इटसेल्फ है, देखिए 9,60,000 इंटू 40/160 2,40,000 होगी, सीधा 1/4 भी कर सकते थे आप इसमें क्योंकि 1/4 शेयर के लिए आ रहा है वो, तो ये 2,40,000 जो है कृति की नई कैपिटल हुई। अब ये जो नई कैपिटल है ये हमारे नए बैलेंस शीट है, ध्यान रखिए बैलेंस शीट में हम ये बैलेंस दिखाएंगे। अब दिस 4 अमाउंट विल बी देयर न्यू बैलेंस शीट जो मैंने बता दिया आपको। अब नाउ कैलकुलेट द डिफरेंस फ्रॉम दिस न्यू कैपिटल एंड ओल्ड कैपिटल बैलेंस एज पर बर्गर रूल। दिस डिफरेंस विल बी द अमाउंट टू बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर एज पर इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन। देखिए अब क्या है, हमें कृति में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधा लिख देंगे हम बाय बैंक 2,40,000। प्रॉब्लम रीति और प्रीति में आती है क्योंकि उनके ऑलरेडी बर्गर रूल से हमने एक नया बैलेंस भी तो बर्गर रूल से बैलेंस भी तो निकाल लिया था हमने, और अब ये नया बैलेंस वर्किंग नोट में निकाल लिया, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये डिफरेंस आपको अब करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना होता है, जो कैसे करेंगे आइए अब हम देख लेते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो देखिए यहां तक तो हमने अभी पिछली स्लाइड में बर्गर रूल से कैपिटल अकाउंट बना लिया था, वो का वही मैंने यहां तक लिख दिया है, कोई चेंजेस नहीं है यहां तक। आपको एज इट इज बर्गर रूल बना के कहने का मतलब ये 90% तो कैपिटल अकाउंट जैसे बनता है वही है, 10% ही फिर हमारा फिर कैपिटल एडजस्टमेंट में दिमाग लगाना होता है। तो एज इट इज जो हमने बर्गर रूल से बनाया था कैपिटल अकाउंट, हमारा बैलेंस आ गया है 2 बैलेंस CDs 4,68,000 एंड प्रीति का आ गया 3,42,000। ये बैलेंस CD हम यहां पे बाय बैलेंस BD लिख देंगे, 4,68,000 3,42,000। फिर हमने देखिए वर्किंग नोट में जाकर के पार्टनर का क्या किया है, हमने नया रेशियो निकाल लिया था, क्वेश्चन में नई कैपिटल दे रखी थी और फिर हमने नई कैपिटल निकाल ली थी। वो नई कैपिटल देखिए रीति की नई कैपिटल हमने जो निकाली थी वो निकाली थी 9,60,000 इंटू 71/160 जो अभी 4,26,000 हुई थी। कहने का मतलब है कि ये नया बैलेंस होगा, ये नया बैलेंस होगा, लेकिन हमें बैलेंस क्या दिया हुआ है 4,68,000। तो अब हमें बैलेंस तो क्या रखना है, 2 बैलेंस CD तो हमें रखना है 4,26,000। देखिए जब भी बैलेंस सीडी आप लिखते हैं वो इस तरफ आती, ध्यान रखना कैपिटल एडजस्टमेंट में जो कैपिटल आएगी वो बैलेंस सीडी के नाम से आएगी क्योंकि वही कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दिखानी होती है। अब ये तो रीति की नई कैपिटल हो गई, इसी तरह से आपको प्रीति की नई कैपिटल निकालनी है जो कि हुई थी आपके वही 9,60,000 इंटू 49/160 हुई थी 2,94,000। तो ये प्रीति की कैपिटल भी आप लिख दीजिए 2,94,000 और कृति की जो कैपिटल होगी देखिए वो 2,40,000 आई थी, अभी 9,60,000 इंटू 40/160 ये हो गया प्रीति की 2,40,000। अब देखिए हमारे पास में तीनों पार्टनर की कैपिटल आ गई है। अब जो कृति है उसके भी पुरानी कैपिटल है नहीं, वो तो पूरा कैश में लेके आएंगे अपना पैसा, लेकिन जो पुराने पार्टनर हैं उनका पुराना बैलेंस भी दिया हुआ है। तो इन दोनों का देखिए डिफरेंस होगा, अब 2 बैलेंस CD 4,26,000 है रीति का
और इति का जो बैलेंस बीडी है 4,68,000, मतलब बैलेंस बीडी का मतलब पुरानी कैपिटल 4,68,000 है, नई कैपिटल है 4,26,000। अब डिफरेंस देखिए किस तरफ आएगा, अब 4,68,000 में से आप 4,26,000 लेस करेंगे जब आप, तो देख लीजिए रितिका 4,68,000 में से 4,26,000 लेस किया तो ये बचा आपके 42,000। इसी तरह से प्रीति के 3,42,000 में से आपने 2,94,000 लेस किया तो बचा आपके 48,000, यानी कि आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो डिफरेंस आपको लिखना है डेबिट की तरफ, तो और कृति तो खैर अपनी नई कैपिटल 2,40,000 लेके आएंगी, तो आपको क्रेडिट की तरफ लिखना है। देखिए पुराने पार्टनर में टू पार्टनर्स करंट अकाउंट 42,000 एंड 48,000, ध्यान दीजिए आप, पुराने पार्टनर का लिखा गया था कि करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगा। अगर यहां करंट अकाउंट नहीं बोल के कैश बोलता तो मैं यहां पे टू बैंक लिख देता, मतलब वो कैपिटल पहले वाली ज्यादा है अब वाली कम है तो ले जाते। देख लीजिए यही कर रहे हैं हम, हमारी पुरानी कैपिटल ज्यादा है नई कैपिटल कम है, तो जितनी ज्यादा था वो बोला कि भाई करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो हमने 4,68,000 में से 4,26,000 लेस किया तो टू पार्टनर करंट अकाउंट 42,000, वैसे 3,42,000 में से हमने 2,94,000 लेस किया तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट 48,000 था वो टू पार्टनर करंट अकाउंट में लिख दिया। अब देखिए जो कृति थी वो तो पैसा लेके आएगी, उसका तो कोई पुराना बैलेंस है ही नहीं, तो वो 2,40,000 बाय बैंक अकाउंट आ गया है आपके। ये अमाउंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे अमाउंट आपको ध्यान रखना है, यही आपका कैपिटल एडजस्टमेंट आपने किया है। इसके बाद आप टोटल कर लीजिए, टोटल आ जाएगा आपके 4,68,000, 3,42,000, 2,40,000। तो इस तरह से ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट होता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। पहला पार्ट बर्गर रूल की तरह सेम बनाया है मैंने इस मेथड में, उसके बाद में नई कैपिटल निकाल ली हमने, वो नई कैपिटल बैलेंस शीट में लिख दिया और फिर डिफरेंस निकाल लिया है आपने, डिफरेंस आपका करंट अकाउंट में डाल दिया है और नए पार्टनर का तो बाय बैंक अकाउंट में आएगा। आई होप आपको अच्छे से प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आइए अब बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट तो मैंने पहले ही कहा है, जैसे ही बैलेंस शीट आपके क्वेश्चन में हो वैसे के वैसे उतारते जाइए, सिर्फ अमाउंट चेंज करते जाना है, जो कि जिस भी चीज का रिवोल्यूशन हुआ है वो रिवेल्यूड फिगर आएंगे, ध्यान देना है आपको, मतलब रिवोल्यूशन के सारे अमाउंट यहां कंपलसरी आपको लिखने होते हैं। तो देख लेते हैं, देखिए क्रेडिटर अब 3,68,000 है, क्योंकि वैसे तो 3,63,000 था पहले, पर 5,000 से कम दिखा रखा था, अब 5,000 और बढ़ाएंगे आप तो 3,68,000 हुआ। प्रोविडेंट फंड में कोई चेंजेस नहीं है, वो का भी अमाउंट आ जाएगा। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, देखिए वैसे जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो 50,000 का था, लेकिन उसमें से 15,000 हमने लायबिलिटी के ले लिए थे, वो यहां पे बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि अभी पे करना है आपको लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 15,000। अब बाकी 35,000 क्यों नहीं लिखा, देखिए 35,000 आपने कहां ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो अमाउंट कैपिटल अकाउंट में अभी आ चुका है आपके जुड़ के, तो वो आपको नहीं लिखना होता है, रिजर्व पूरा खत्म हो जाता है, ध्यान रखिए। इसी तरह से आपकी जनरल रिजर्व भी था 20,000 का, वो रिजर्व भी आपको नहीं लिखना, क्योंकि रिजर्व भी आपने क्या कर दिया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आ जाइए, देखिए यहां पे एक रीति का करंट अकाउंट है और प्रीति का करंट अकाउंट 42,000 एंड 48,000, ये आपके 90,000 रुपए का, ध्यान दीजिए। अभी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, उसमें करंट अकाउंट लिखा है, किस तरफ लिखा था, जिस तरफ लिखा था उसी की उसी तरफ ले लीजिए, ये मतलब पार्टनर को पैसा देना है हमें, उसकी कैपिटल पुरानी कैपिटल ज्यादा है नई कैपिटल कम है, कैश देते तो वो लेके चल जाते कैश, लेकिन आपने कैश नहीं दिया, यानी लायबिलिटी है इनको, इनका इतना पैसा और देना है जो कैपिटल एक्स्ट्रा लगी हुई है इनकी, तो वो हम यहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखते हैं। तो रीति का बैलेंस 42,000 था, प्रीति का 48,000 था, 90,000, ध्यान देना है जिस तरफ था, शॉर्ट ट्रिक यह है, जिस तरफ था उसी तरफ लिख देते हैं। आपने एक डेबिट की तरफ लिखा था, वही की वही साइड यहाँ लायबिलिटीज की तरफ आ गया, कहने का मतलब पार्टनर को अमाउंट देना है आपको। अब कैपिटल आपकी नई कैपिटल आई गई थी आपकी, देखिए रीति की कैपिटल 4,26,000 थी, प्रीति की 2,94,000 है, 2,96,000 एंड कृति की कैपिटल 2,40,000। तो ये प्रीति की कैपिटल में ध्यान दीजिएगा, ये 2,94,000 है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 2,96 नहीं है, ये प्रीति की बैलेंस सीडी 2,94 है, तो टोटल 9,60,000 आपके ये कैपिटल हो गई है। तो इस तरह से ये आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कैपिटल का नया बैलेंस आ गया जो हमने निकाला था कैपिटल एडजस्टमेंट में, और करंट अकाउंट क्योंकि कैश के अंदर एडजस्टमेंट नहीं था, करंट अकाउंट के अंदर था। अब एसेट साइड आते हैं, तो देखिए बैंक 50,000 प्लस 2,40,000, देखिए 50,000 तो पुराना बैलेंस है और नया पार्टनर 2,40,000 की कैपिटल लेके आ रहा है, 2,90,000 हुआ। इसमें गुडविल का पैसा नहीं जोड़ा है, क्यों नहीं जोड़ा है, क्योंकि गुडविल कैश में नहीं है। गुडविल देखिए सबसे नीचे कृतिज करंट अकाउंट 80,000 रुपए आ गया, अगर ये कैश में होती तो हम बैंक में जोड़ देते, पर देखिए गुडविल का पैसा नहीं लाया है कैश में, तो लास्ट ही लास्ट में देखिए कृतिज करंट अकाउंट लिख दिया है हमने। उसके बाद में डेटर देखिए 1,00,000 है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000, क्योंकि नया प्रोविजन 4,000 का है तो 96,000 हुआ। स्टॉक की वैल्यू 45,000 का है,
इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू 45,000 है, फर्नीचर 92,000 की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख में से 30,000 का आपने डेप्रिशन लेस कर दिया तो 2,70,000 है, बिल्डिंग की न्यू वैल्यू 40,000 से इंक्रीज करनी थी 5,40,000 एंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट जब आप करेंगे तो ये आपका 14,58,000 आपका बैलेंस शीट का टोटल होगा। आई होप आपको पूरा प्रोसीडर समझ में आ गया होगा, ये मेथड किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से आपको बनाना है। तो हमने कैपिटल एडजस्टमेंट के सारे मेथड समझ लिए हैं, तीनों मेथड हमने समझ लिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल फॉर पार्टनर एंड व्हेन न्यू कैपिटल अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तीनों मेथड हमने समझ लिए, लेकिन हमने ये मेथड जो समझे हैं वो हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से समझे। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा, वो जो होगा वो आपके फिक्स कैपिटल मेथड पे होगा, ताकि आपको फिक्स कैपिटल मेथड में भी किस तरह से एडजस्टमेंट करना होता है आपको समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।